सो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम बैक टू टैक शिवम। क्या गाइस, आप लोग एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, वन प्लस कंपनी के सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो? क्योंकि गाइस, वन प्लस एट कंपनी अभी एक नया स्मार्टफोन अपना लॉन्च करने जा रही है। तो दोस्तों, अभी आपको ये तो पता ही होगा कि वन प्लस कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले अपने मोबाइल की 8 सीरीज लॉन्च की थी, जो कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी। काफ़ी तगड़े स्मार्टफोन थे गाइस, पिछले टाइम में जो लॉन्च हुए थे, अच्छे फीचर्स के साथ, अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च हुए थे, काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन गाइस, कॉस्टली हाई होने की वजह से स्मार्टफोन को वन प्लस कंपनी थोड़ी सी गिरावट में आई है। क्योंकि वन प्लस कंपनी के 8 सीरीज की जो लॉन्च हुई थी स्मार्टफोन की, उस सीरीज के बाद उसकी रेट थी जो काफ़ी आसमान छूने लगी लगी थी दोस्तों। तो गाइस, उसकी जो रेट थी, जो वन प्लस एट कंपनी ने अपनी 8 सीरीज के बाद रेट बढ़ाई थी स्मार्टफोन की, तो दोस्तों उसी रेट को कम करने के लिए वन प्लस कंपनी जो है वो एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है अगले महीने में। दोस्तों, काफ़ी तगड़े फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, आपको मैं इस स्मार्टफोन के सारा स्पेसिफिकेशन और कुछ ये इसकी लॉन्चिंग डेट का क्या होगी इंडिया में, इसकी कीमत क्या होगी इंडिया में, उसका सारा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, ताकि आपको आप लोगों को सारी जानकारी इस मोबाइल से रिलेटेड मिलती रहे। और उससे पहले आपने मेरे चैनल टैक शोम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास दिख रहा है बेल आइकन, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी फ्यूचर टेक्निकल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो बिना कोई देर करे। सो गाइस, चलिए जल्दी से जल्दी मैं आपको इस स्मार्टफोन का नाम बताता हूँ। तो गाइस, इस स्मार्टफोन का नाम वन प्लस एट लाइट या फिर वन प्लस जेड हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये स्मार्टफोन वन प्लस एट सीरीज के बाद जो स्मार्टफोन आए थे, वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो की तरह ही ये स्मार्टफोन थोड़ा सा उसी की तरह लेस आएगा उसके डिज़ाइन में। सो गाइस, इसके अभी भी कोई रेंडर लीक इसमें क्लियरली लीक नहीं हुए हैं। तो आपको मैं जितना मेरे को पता चला उतना मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दूँ। तो गाइस, इस स्मार्टफोन में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल सकती है पंच होल डिस्प्ले के साथ। और गाइस, आपको बैक पैनल में शायद ओलेड पैनल और ओलेड पैनल से लेस इंडिया में स्मार्टफोन आने वाला है, या फिर आपको वन प्लस एट की तरह या फिर वन प्लस एट प्रो की तरह आपको बैक पैनल इसमें देखने को मिल सकता है। और गाइस, मैं बात करूँ कि इस स्मार्टफोन के की स्पेसिफिकेशन क्या होंगे मोबाइल के, तो आपको मैं बता दूँ कि इस स्मार्टफोन में आपको 6.55 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है दोस्तों, पंच होल डिस्प्ले के साथ। क्योंकि गाइस, स्मार्टफोन के अभी क्लियरली लीक नहीं हुए हैं, तो आपको मैं यही बता सकता हूँ कि आपको इसमें 6.55 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है फुल HD डिस्प्ले के साथ। और गाइस, अब बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको क्या प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपको प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें 765G का ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी शानदार बनाने वाला है स्मार्टफोन। तो गाइस, और पीछे की तरफ की बात करें तो आपको पीछे शायद इसमें ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, इसमें फर्स्ट कैमरा आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर आपको मिल सकता है 64 मेगापिक्सल का। तो और गाइस, आपको सेकेंडरी कैमरा मिल सकता है इसमें 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस कैमरा या फिर वाइड एंगल लेंस कैमरा इसमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, थर्ड कैमरा सेटअप की बात करें तो आपको इसमें थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस शूटर कैमरा इसमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर फ्रंट कैमरा सेटअप की बात करें तो कुछ 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा सेटअप इसमें देखने को मिल सकता है गाइस। और आपको बैटरी लाइफ की बात करें तो गाइस, आपको शायद इसमें 4300 mAh की बैटरी लाइफ इसमें दी जा सकती है। मैक्रो USB पोर्ट तो आपको देखने को नहीं मिलता, आपको इसमें टाइप सी USB पोर्ट देखने को जरूर मिल सकता है। और गाइस, अगर इसमें फास्ट चार्जिंग की बात करें तो आपको फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिलेगी, वो भी आपको 30W की फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिल सकती है गाइस। काफ़ी बैटरी लॉन्ग लाइफ इसमें गाइस, वन प्लस एट की सर्विस वैसे भी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी सर्विस देते हैं। तो गाइस, लगभग 2 डेज तो इसकी बैटरी लाइफ आसानी से टिक सकती है। सो गाइस, फाइनली इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग डेट की बात करें कि इंडिया में कब तक लॉन्च होगा, कौन सी डेट को लॉन्च होगा। सो गाइस, तो आपको मैं लॉन्चिंग डेट बताऊँ तो ये स्मार्टफोन जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में ये लॉन्च इंडिया में होगा। सो गाइस, इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट अभी तो यार ये आई है 10 जुलाई की, 10 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होना है। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन काफ़ी तगड़े फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होना है और जल्द से जल्द इंडिया में आने वाला है। और ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोनों को टक्कर देगा। ये स्मार्टफोन गाइस, शाओमी, ओप्पो वीवो की स्मार्टफोन कंपनी को, सारे स्मार्टफोनों को जो इसके बजट रेंज में आएंगे, उस स्मार्टफोन को टक्कर देने वाला है। और गाइस, अब बात करें इस स्मार्टफोन के कि ये इंडिया में इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो गाइस, इस स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया में 24,999, यानी कि गाइस 25,000 रुपये के अंडर रेंज में इस स्मार्टफोन को आप अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिड
रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइस कैसी लगी आपको ये स्मार्टफोन की जानकारी जो आपको मैंने इस वीडियो में दी? तो गाइस वैसे तो काफी तगड़े फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में जल्दी अवेलेबल होने वाला है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। तो गाइस आपको करना है क्या है, वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके आपको वीडियो बना के देने का। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली फीचर लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो गाइस चलते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।